नमस्कार। बहुत साल लगे ये हिम्मत बनाने के लिए इस फेडरेशन के जो प्रेजिडेंट हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमें ये प्रोटेस्ट किया, लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेजिडेंट जो है उसी का उसके बेटे से भी फिर है, उसका राइट हैंड यू मान लो प्रेजिडेंट बना है आज रेसिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला प्रेसिडेंट ना महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी किस्त उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं मिल रहा। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो ये लड़ाई है ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी ही रहेगी क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अंत में हम तो 4 करोड़ पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो कि हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिला आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए, हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी पूरे दिन से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका जो उसका बिल्कुल सही होती है, उसका बिजनेस पार्टनर है वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा, तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक सपोर्ट किया।